हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जेई एडवांस 2019 के ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले जो जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, तो उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बने थे। तो उनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के उनको अप्लाई किया गया था। तो जिन विद्यार्थियों ने डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अप्लाई किया था, उनके लिए ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट अब उनका बन गया होगा या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है जो नॉन क्रीमी लेयर का, तो उसको अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो शुरू हो गया है। अपलोड कब और कैसे करना है वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको कैंडिडेट पोर्टल पर जाकर ही लॉगिन करना होगा। और अब एक बात का आप महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखें कि अब जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं या फिर यहीं जहां करने वाले हैं, किस प्रकार से करने वाले हैं, वो एक बार आप आराम से बैठ के देख लें। क्योंकि अब अगर आपने गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो आपका किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जाएगा। आपको लास्ट और फाइनल ऑप्शन मिलता है ये सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसे अपलोड करना है और कब अपलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं, ये देखिए आपका आज की न्यूज़पेपर में भी इसकी न्यूज़ आई हुई है कि जेई एडवांस ओबीसी व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प शुरू। अब आपको करना क्या है, आप या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से नहीं जानना चाहते तो आप सीधा गूगल पर सर्च कीजिए जेई एडवांस कैंडिडेट पोर्टल, जेई एडवांस कैंडिडेट पोर्टल। तो आपको नीचे एक वेबसाइट मिलेगी, जेई एडवांस कैंडिडेट पोर्टल लिखा होगा, तो उस पर आप लॉगिन करेंगे, सॉरी उस पर आप इंटर करेंगे, तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। ये सारा इंटरफेस जो है वो दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना लॉगिन करना है। जैसे आपका जो जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस, फिर इस पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स एडिट करने का, लेकिन वो ऑप्शन उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्हें जेई एडवांस जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उनमें जो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अप्लाई किया था। जिन विद्यार्थियों ने डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, तो वो इसमें जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा ना ले। मैं आपको रिपीट करता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने जेई एडवांस रजिस्ट्रेशन के वक्त इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अप्लाई किया था उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये ओपन होगा। तो वो विद्यार्थी अपना जो ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्रीमी लेयर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर पाएंगे। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको सीधा उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो गया कि किस प्रकार इसको अपलोड करना है। बाकी अगर अपलोड करने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। लिंक मैं आपको कैंडिडेट पोर्टल का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसमें सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और कैसे। और आप एक बात का स्पेशली ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब की बार जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं उसको ध्यानपूर्वक देख लें फिर ही अपलोड करें, क्योंकि अब की बार एक बार आपने अपलोड कर दिया तो अब की बार आपको चेंज का या फिर एडिट का कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। और इसको ढंग से ना करने पर आपको सीधा जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ एक और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।